नमस्कार, आप देख रहे हैं मामा जिला है और आपको बताएं कि बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, प्रियंका रेड्डी जो हैदराबाद मर्डर केस हुआ था उसके जो चारों आरोपी हैं वो मारे गए हैं, एनकाउंटर में मारे गए हैं। और ये खबर मिल रही है कि उन्हें जो सवेरे 6 बजे करीब उस घटनास्थल पर ले गया पुलिस द्वारा ताकि सीन को रिक्रिएट किया जा सके और समझा जा सके कैसे वो घटनाक्रम हुआ। उसी दौरान उन्होंने जो भागने की कोशिश की चारों आरोपियों ने, और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इसी प्रयास में जब पुलिस ने फायरिंग की तो वो चारों मारे गए। ये खबर ANI और बाकी हाल ही में जो पुलिस कमिश्नर हैदराबाद उनके द्वारा इसकी सूचना दी गई कि ये बिल्कुल सही खबर है कि उन चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की और इसी कोशिश में जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन चारों आरोपियों को जो फायरिंग की तरह रोकने की कोशिश की और उसमें वो मारे गए। तो ये बड़ी खबर है और राहत की भी खबर है पूरे हिंदुस्तान में। जो गुस्सा था और सभी चाहते थे कि न्याय मिले और आरोपियों को सज़ा मिले, और जो कि एक रूटीन कार्रवाई होती है पुलिस की, घटनास्थल पर आरोपियों को ले जाया जाता है ताकि उस घटना को समझा जा सके, उसी में वो चारों आरोपी मारे गए और एक एनकाउंटर के तहत वो भागने का प्रयास कर रहे थे। और लेकिन अब जो है वो सभी तरफ से यही प्रतिक्रिया आ रही है कि न्याय मिल चुका है और जो आरोपी थे उन्हें उसकी सज़ा मिली है। ये वो चारों आरोपी के चित्र सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर है और राहत की खबर। धन्यवाद। जय हिंद।